Okay, so what happens is noradrenaline increases the cyclic AMP. So cyclic AMP here is a second messenger. Cyclic AMP is acting as a second messenger, which in turn activates the N-cyclase transferase, N-acetyl transferase. और वो क्या करेगा, फिर ट्रिप्टोफैन को इंक्रीज करेगा, एंड ट्रिप्टोफैन इज द मेन सब्सट्रेट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन. नाउ सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन, इट इज रिदमेटिक, हाई एट द नाइट एंड लो एट द डे नाइट. अभी हमने बात करी कि ये स्लीप इंडक्शन में हेल्प करता है. तो जैसे ही नाइट होगी तो हमारा स्लीप सोने का टाइम हो जाता है, और जो हमारे सुप्राथैलेमिक न्यूक्लियस है, सुप्राकैस्मेटिक न्यूक्लियस, और जो भी रेटिना से जो सिग्नल आ रहे हैं, दे गिव द सिग्नल कि अभी सन जो है वो डाउन हो गया है, लाइट इज नॉट कमिंग. तो इट विल इंक्रीज द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को इंक्रीज करके नॉरएड्रेनालिन का सिक्रीशन इंक्रीज करेगा. दैट नॉरएड्रेनालिन विल स्टिमुलेट द पीनल ग्लैंड, एंड पीनल ग्लैंड विल स्टार्ट सिंथेसिस ऑफ मेलाटोनिन, and melatonin will affect the sleep cycle. So it is more at night and low at day night, daytime. Seasonal variation are also there. Summers में क्या होता है, summer में nights जो होती है वो short हो जाती है और days लंबे हो जाते हैं, और winters में क्या होता है, उल्टा होता है, nights are long and days are short. तो उसके हिसाब से secretion of melatonin will also be affected. बिकॉज इसका जो रिलेशन है वो डे टाइम और नाइट टाइम से, बिकॉज सनलाइट, एज मच एज सनलाइट विल बी कमिंग, सिक्रीशन विल बी डिप्रेस्ड. जैसे ही सनलाइट कम होगी इसका सिक्रीशन इंक्रीज होने लग जाएगा. ठीक है, तो समर शॉर्ट नाइट एंड लॉन्ग डेज, विंटर लॉन्ग नाइट एंड शॉर्ट डेज, देयरफॉर मोर सिक्रीशन इन विंटर देन द समर. ठीक है, तो यहां से अपन ने देख लिया कि इट इज रिदमिक, इट हैज डायरनल वेरिएशन जिसको हम बोलते हैं डे एंड नाइट वेरिएशन, देन सीजनल वेरिएशन इज देयर बिकॉज ऑफ चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट, देन कंसेंट्रेशन इन ब्लड सलाइवा एंड सीएसएफ फॉलो सेम वेरिएशन. इन सीरम इट रिमेन्स बाउंड टू द एल्बुमिन बट कैन क्रॉस टू द ब्रेन बाय द, बिकॉज ब्लड ब्रेन बैरियर इज नॉट देयर. सबसे पहले हमने क्या देखा था कि इट इज लाइंग आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है. सो कोई भी ग्लैंड होगी, सिक्रीटरी ग्लैंड होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड होगी, तो उसका जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली हमें ब्लड के अंदर भेजना है. तो अगर उसके अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर रहा तो वी वॉन्ट बी एबल टू डू दैट. तो हमेशा याद रखना एंडोक्राइन ग्लैंड है तो इट विल बी लाइंग आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर. डिग्रेडेड एंड कंजुगेटेड इन लीवर, तो लीवर इसको अभी मेटाबोलाइज कर रहा है. अगर लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो व्हाट विल हैपन, मेलाटोनिन क्वांटिटी विल इंक्रीज, बिकॉज द लीवर इज द प्लेस वेयर इट इज डिसइंटीग्रेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू कंजुगेटेड फॉर्म, जो कि फिर यूरिन या फिर स्टूल के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए. अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग, जैसे कि डार्क एंड लाइट साइकिल हो गई, तो डार्क एंड लाइट साइकिल का हमने देख लिया नॉरएड्रेनालिन, जिसमें बीटा रिसेप्टर के थ्रू ये काम करता है. सिंपैथेटिक सिस्टम वर्क्स थ्रू अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, विच वी हैव स्टडीड इन द सिंपैथेटिक, जो हमने पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि देर आर अल्फा रिसेप्टर, देर आर बीटा रिसेप्टर इन सिंपैथेटिक सिस्टम. एट सम प्लेस देर इज अल्फा, देन अल्फा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप, अल्फा वन अल्फा टू, देन बीटा इज डिवाइडेड इनटू बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री. ठीक है, सो इट एक्चुअली वर्क फ्रॉम बीटा रिसेप्टर, इट इंक्रीजेस साइक्लिक एएमपी, देन इट इंक्रीजेस द एंजाइम दिस इज एसिटाइल ट्रांसफरेज दैट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ इन द ब्लाइंड, एंड 24 आवर रिदम होती है एंड पीक एनी टाइम. सो अगर कोई ब्लाइंड है तो ये लाइट सेंसेशन बंद हो जाएगा, एंड लाइट सेंसेशन बंद होने से उसको हम इट्स ऑलवेज डार्क फॉर्म में, डार्क ही रहेगा उनके लिए. तो इसके अंदर कभी भी पीक आ सकती है, रिदम के अंदर पीक एनी टाइम. जो सेंस कर सकता है लाइट को उसके अंदर पीक आती है नाइट के अंदर, जब लाइट आपकी डाउन हो जाती है, सनलाइट डाउन हो जाती है. बट अगर कोई ब्लाइंड है तो उसके अंदर पीक कभी भी आ सकती है एनी टाइम.
एट अंटार्कटिका इन विंटर नो लाइट टू बी एनी टाइम. सो इन अ केस ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन एंड इन केस ऑफ लाइक प्लेसेस लाइक अंटार्कटिका जहाँ पे विंटर भी चलती रहती है 6-6 महीने तक और अंधेरा ही रहता है, तो वहाँ पे फिर कभी भी आपका पीक आ सकता है क्योंकि ऑल द टाइम इज इट्स डार्क. सो SCN maintains the circadian rhythm, annual rhythm of melatonin secretion by acting the photoperiod. ये हमारा जो न्यूक्लियस है इट इज रिलेटेड टू द रेटाइना. रेटाइना से जो भी आ रहा है हमारे पास लाइट का सेंसेशन इट विल बी कंडक्टेड थ्रू दिस न्यूक्लियस. तो इट विल एक्ट एज ए फोटोपीरियड इन्फॉर्मर कि डे है कि लाइट है, डे है कि नाइट है भी वो ये बताता है. सो इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट देन एज हाइएस्ट नॉक्टर्नल लेवल एट द एज ऑफ द वन ईयर देन कंटिन्यूज टू डिक्लाइन लोएस्ट एट द ओल्ड एज. ओल्ड एज में हमने देखा इट गेट्स कैल्सीफाइड, कैल्शियम विल डिपॉजिट एंड इट इज फिजियोलॉजिकल. सो विद एज इट इज मैंडेटरी कि कैल्शियम वहां पे जमा होगा एंड स्लोली इट विल लूज इट फंक्शन. देन एक्सरसाइज के कारण से इट विल राइज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड आफ्टर द एक्सरसाइज. सो ऑब्वियसली पीनियल ग्लैंड सेक्रेशन विल इंक्रीज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड आफ्टर द एक्सरसाइज. देन मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द मिड मेंस्ट्रुअल फेज लेस नॉक्टर्नल राइज. ठीक है, तो इट विल राइज ड्यूरिंग द मिड मेंस्ट्रुअल फेज एंड लेस ड्यूरिंग द नेचुरल राइज हो रहा था, मतलब रात को जो राइज हो रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा ड्यूरिंग द नेचुरल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर हॉर्मोन्स विच विल इफेक्ट द फंक्शन. देन फंक्शन इट इज फंक्शनल थ्रू आउट द लाइफ, एक्ट एज ए फोटोपीरियड इन्फॉर्मर बिकॉज डे एंड नाइट के साथ डायरेनल वेरिएशन हो रहा है तो ये डायरेनल वेरिएशन को ब्रेन को मेलाटोनिन के थ्रू बताएगा. रिप्रोडक्शन में क्या होता है इट सप्रेसेस गोनाडोट्रोपिन therefore increases the secretion during the pregnancy and pasturation because you know after pregnancy 6 months is considered as a safe period. ठीक है, during that period or जैसे after pasturation and pregnancy it is अगर आप melatonin का secretion देखोगे body के अंदर तो it will be higher. और एक कहाँ से आ रहा है क्रॉस प्लासेंटा मे प्रोवाइड फोटोपीरियड इन्फॉर्मेशन टू द फीटस को भी क्योंकि फीटस इज इनसाइड द वॉर्म इनसाइड द प्लासेंटा और मदर के अंदर वो पूरा प्रोटेक्टेड है. सो ड्यूरिंग द अगर आपने देखा हो कि जब बर्थ होती है बेबी की उसके 6 मंथ तक बेबी का कोई टाइम पीरियड नहीं होता सोने का. दे स्लीप एट द डे टाइम एंड दे राइज अप एट द नाइट. ठीक है, तो उनका साइकिल बड़ा वियर्ड रहता है हमेशा. धीरे धीरे ड्यू टू ये मेलाटोनिन एंड अदर थिंग्स इट विल सेटल स्लोली कि वो रात को सोने लग जाते हैं देन डे में डे चलाई देते. ठीक है, बट इनिशियली थोड़ा बहुत उनको सेंसिटाइज जरूर किया जाता होगा बिकॉज इट कैन क्रॉस द प्लासेंटा. बट स्टिल बच्चों का जो सोने का पीरियड रहता है वो मोस्टली नाइट में ही रहता है, सॉरी नॉट इन द डे पीरियड एंड नाइट डे स्लीप राइज अप पता नहीं क्या होता है उनको. फ्यू बहुत ही कम फीटस जो 1 ईयर के बच्चे होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं जो कि रात को सोते हैं और दिन में जगते हैं, नहीं तो उनका साइकिल उल्टा ही रहता है. ओके, एंडोक्राइन्स में इट डिक्रीजेस प्रोलैक्टिन LH एंड FSH सिक्रीशन बाय हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी बिकॉज इट सप्रेसेस द गोनाडोट्रोपिन. एंटागोनिस्टिक टू द एंडोक्राइन पैनक्रियास को भी एंटागोनिस्ट करता है. थायराइड एंड एड्रेनल सिक्रीशन आर ऑल्सो इनिबिटेड एंड रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल PTH सिक्रीशन. PTH को इट विल हेल्प. सो इट इज इट एक्चुअली डिक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, पैनक्रियाटिक हॉर्मोन, थायरॉयड एंड एड्रेनल सिक्रीशन. सो ऑलमोस्ट सभी को ये डिक्रीज कर रहा है. Only the PTH is there which will increase. Therefore, it decreases the BMR
टेम्परेचर लोअरिंग इफेक्ट भी होता है इसका, बिकॉज इट डिक्रीजेज द थायराइड. ठीक है, डेली मेलाटोनिन रिदम टायरेनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो. तो आपने देखा होगा कि जैसे हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी ठंडी पड़ने लग जाती है. अगर हम ढंग से ध्यान नहीं रखें रात को, जैसे हमको जरूरत, जैसे हमको हम चल रहे फिर रहे हैं, दिन में हैं, खड़े हैं, बैठे भी हैं और लेटे हुए भी हैं, अगर हम जगे हुए हैं तो हमें उतनी ठंड नहीं लगेगी जितना हमारे को सोने के बाद लगेगी. क्योंकि आफ्टर स्लीप बॉडी जो कूल डाउन होने लग जाती है. तो वही जो पंखे की हवा आजकल के दिनों में हो रहा होगा कि जो पंखे की हवा आपको वैसे नॉर्मल लग रही थी बट सोने के टाइम में आपको ठंड लगने लग जाएगी. नाइट में टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन होता है, साथ साथ में बॉडी ऑल्सो BMI डिक्रीज हो जाता है, तो बॉडी में भी थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है बिकॉज इट कांट मेंटेन दैट टेम्परेचर बिकॉज BMI डिक्रीज होगा. ठीक है, तो डेली डायरनल वेरिएशन इन टेम्परेचर इज ऑल्सो सीन. देन विद द मॉर्निंग इट विल जो मेलाटोनिन होगा इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड BMI विल स्टार्ट राइजिंग एंड उसके साथ साथ में थायरॉयड एडेनाइन सेक्रेशन विल ऑल्सो स्टार्ट राइजिंग. इनका पीक डे टाइम में आता है, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग. अभी अपन ने जब पढ़ा था एडेनाइन और ये सब, तो इसका मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में आता है और इवनिंग में ये डिक्रीज हो जाते हैं एडेनाइन हार्मोन. स्टेरॉइड्स जो थे कॉर्टिकोस्टेरॉइड वो मॉर्निंग में पीक पे होते हैं और इवनिंग टाइम में डिक्रीज हो जाते हैं. तो इसलिए अपन को एनर्जी जो भी हाइएस्ट होती है एट द मॉर्निंग टाइम एंड देन इन द इवनिंग इट विल डिक्रीज. ठीक है, सो इट इज रिलेटेड टू द डायरनल वेरिएशन. और डायरनल वेरिएशन कौन मेंटेन करता है? पीनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन. बायोरिदम्स कौन कौन से मेंटेन करेगा? ये टेम्परेचर की, स्लीप वेकनेस साइक्लिन, सेकेंड सिंक्रोसिनिटी इज इम्पोज ऑन दीज बायोरिदम्स बाय पीरियोडिक नॉक्टर्नल रिलीज ऑफ मेलाटोनिन. स्लीप में मेलाटोनिन राइज होगा, वंस यू राइज इनिबिट ARF सिस्टम. ठीक है, सेरोटोनिन ऑल्सो इंड्यूस स्लीप. मेलाटोनिन कंट्रोल द लेवल ऑफ सेरोटोनिन इन ब्रेन. डिस्टर्बेंस ऑफ मेलाटोनिन रिदम इन ऑल डेज डिस्टर्बेंस इन. अब आपने देखा होगा, आपने घर में ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी अगर ओल्ड एज आपके घर में है पर्सन, तो उनकी जो स्लीप होती है वो बहुत कम आवर की रह जाती है. दे स्लीप एट वेरी लेट एट द नाइट एंड आप जब उठेंगे तो वो उठे हुए मिलेंगे आप. ठीक है, तो मे बी वो रात को फिर भी थोड़ा टाइम पे सो जाए बट सुबह वो बहुत जल्दी उठ जाएंगे. तो उनका जो स्लीप ड्यूरेशन होता है, जैसे कि हम लोगों को 6 से 8 घंटे मिनिमम 6 आवर तक है एंड वी कैन स्लीप ओवर अप टू 8 to 9 hours. और आपके लेवल पे तो शायद आप 10-12 घंटे भी सो रहे होंगे. ठीक है, जैसे ये आज उठे हैं, मे बी ये रात को लेट सोए हो, बात कर रहा हूँ. बेचारे को अकेला बैठना पड़ रहा है. सो वंस योर एज इंक्रीजेस द मेलाटोनिन जो है उसका सिक्रीशन डाउन होता है. डाउन होने के कारण से जो स्लीप वेक साइकिल है आपकी वो भी चेंज होती जाएगी. तो जो सिक्रीशन कम हुआ तो स्लीप, क्योंकि मेलाटोनिन स्लीप इंड्यूस कर रहा है. मेलाटोनिन ऑल्सो रेगुलेट सेरोटोनिन लेवल विच इज अनदर हार्मोन विच इज रिलेटेड टू द इंडक्शन ऑफ द स्लीप और मेंटेन स्लीप. सो इन सब के कारण से धीरे धीरे एज के साथ में जो स्लीप ड्यूरेशन है वो शॉर्ट हो जाता है. जैसे आपने मोदी जी का सुना होगा 3-4 घंटे सोते हैं. अब उम्र हो गई उनकी तो हम नहीं कर सकते, वो आप लोग नहीं कर सकते पता नहीं. ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट एक्ट एज ए स्कैवेंजर ऑफ द. अब एंटीऑक्सीडेंट का भी काम कराता है. तो जो ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा सुपर ऑक्साइड रिलीज होते हैं बिकॉज H2O इज देयर एंड वी मेटाबोलाइज H2O डेली एट द एंड. ऑक्सीजन भी हम अंदर लेते हैं तो वो जब मेटाबोलाइज होती है तो बहुत सारे फ्री रेडिकल रिलीज होते हैं ऑक्सीजन के. तो उनको हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ता है. तो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो उसको स्कैवेंज करके O2 के मॉलिक्यूल्स को वो करते हैं. देन इट प्रोटेक्ट DNA डैमेज इंड्यूस्ड बाय द रेडिएशन. तो अगर ये हमने फ्री छोड़ दिए जो भी फ्री एक्टिव जो भी ऑक्सीडेंट रिलीज हो रहे हैं जैसे कि सुपर ऑक्साइड. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, DNA को जाके डैमेज करते हैं. DNA के अंदर आपका कट प्रोड्यूस कर देंगे, DNA की सिक्वेंस चेंज करवा देंगे. सो
दैट विल इंड्यूस द म्यूटेशन और दैट विल कॉज सम जेनेटिक प्रॉब्लम. ठीक है, इम्यूनिटी, इट इज इम्यूनो स्टिमुलेट, सो इट इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द इम्यूनिटी. तो इसीलिए बोलते हैं कि अच्छा सोने से जो इम्यूनिटी होती है वो हमारी बेटर रहती है. आप कम सोओगे तो इम्यूनिटी भी आपकी कम हो जाएगी. तो स्लीप जो है वो आपको पूरी लेनी चाहिए. क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन कंट्रोलिंग द ट्रेमर एंड रिजिडिटी ऑफ पार्किंसनिज्म डिजीज. अगर आप बाहर से मेलाटोनिन प्रोवाइड कराते हैं तो इट कैन बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म डिजीज. अब ये जेट लैग के इन स्लीप डिसऑर्डर एज ए स्लीप इंडक्शन सब्सटेंसेस, तो ये इंसोमनिया के अंदर भी ट्रीटमेंट दे सकता है. इंसोमनिया के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं. देन जेट लैग के अंदर यूज कर सकते हैं. जेट लैग के अंदर क्या होता है, आप एक टाइम जोन को क्रॉस करके दूसरे टाइम जोन में एंटर हो रहे हो, तो दूसरे टाइम जोन में एंटर होने से आपका जो यहाँ का जो मॉर्निंग एंड इवनिंग वाला साइकिल था वो वहाँ पे शायद आप जैसे यहाँ से मॉर्निंग में चालू किए और वहाँ पे भी हम 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद वापस वहाँ के मॉर्निंग में पहुँच गए. 24 घंटे बाद पहुँचोगे तो ऑब्वियसली मॉर्निंग में पहुँचोगे, बट वहाँ पे अगर आप नाइट में पहुँच गए या आप ऑब्वियसली आप अमेरिका से यहाँ आ रहे हो या यूरोप में जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, जहाँ पे जो टाइम साइकिल है वो हमसे टाइम जोन है वो बिल्कुल अलग है, 10-12 घंटे का डिफरेंस है. तो 10-12 घंटे का डिफरेंस होने से आपको क्या होता है, आप या तो 10-12 घंटे आगे चले जाओगे या 10-12 घंटे पीछे आ जाओगे. तो उस कारण से आपका जो साइकिल चल रहा था मेलाटोनिन के कारण से वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो एट दैट टाइम यू कैन गिव फ्रॉम आउटसाइड मेलाटोनिन देके यू कैन रेगुलराइज द जेट ये स्लीप वेक साइकिल और उसके कारण से जेट लैग जो होता है वो कम हो जाएगा. इन कैंसर एज ए एंटी ट्यूमर ड्रग दे सकते हैं बिकॉज इट इनहिबिट्स द ग्रोथ, इट डिक्रीजेस द माइटोटिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ हार्मोन. एंटीरियर पिट्यूटरी को समराइज कर रहा हूँ. ठीक है, मूड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन अगर हो रहा है तो इट डिप्रेशन इम्प्रूव्स ऑन एक्सपोजर टू द लाइट, दैट इज बाय डिक्रीजिंग द मेलाटोनिन सिक्रीशन. अब आप किसी डिप्रेस आदमी को अंधेरे में बिठा दो या उसको अंधेरा दिखाओ तो ही विल बी मोर डिप्रेस. इन जनरल ये है कि नहीं है, आपने भी सुना होगा, कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप उसको डे लाइट में रखोगे तो इट विल बी, अब जैसे कोई सुसाइड करता है या कुछ ऐसी चीज करता है वो भी मोस्टली नाइट में करता है, डे में बहुत कम होते हैं इस तरह के चीज. क्यों? क्योंकि फिजियोलॉजिकली मेलाटोनिन सिक्रीशन विल रिड्यूस एंड मेलाटोनिन इंक्रीज विल डिक्रीज द डिक्रीज इन मेलाटोनिन विल डिक्रीज द डिप्रेशन. अगर आपने मेलाटोनिन दिया ऐसे केस में, डिप्रेशन के केस में, तो ये कंडीशन को और खराब कर देगा. एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट है ये एंड इट इज इम्यूनो स्टिमुलेंट ऑल्सो व्हिच वी हैव ऑलरेडी. नाउ लोकल हॉर्मोन्स में कौन कौन से हॉर्मोन होते हैं, ये अपनी लोकल साइड में सिक्रीट होते हैं, मतलब जहाँ पे ये बनते हैं उसी के सराउंडिंग में सिक्रीट होके वहीं पे अपना एक्शन कर देते हैं एंड देयर फंक्शन विल फिनिश. इसके बाद में ये मेटाबोलाइज हो जाएंगे एंड एक्सक्रीट हो जाएंगे. तो दोज हॉर्मोन्स आर नोन एज लोकल हॉर्मोन. सम सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द लिविंग टिश्यू गेट एक्टिवेटेड टू एग्जैक्ट इफेक्ट इन देयर इमीडिएट नेबरहुड. तो अपने बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड में ये अपना इफेक्ट करके दे विल डिसअपीयर. तो एग्जाम्पल क्या क्या है इनके, एस्टाइलकोलिन, हिस्टामिन, सिरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, एंजियोटेंसिन, एडिनोसिन डेरिवेटिव, ब्रेडिकाइनिन, प्लाज्मिन. तो ये मोस्ट ऑफ द जो हॉर्मोन्स है यहाँ पे ये किसी न किसी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन या किसी न किसी टिश्यू इंजरी के टाइम पे ये रिलीज होते हैं. कौन से टाइम पे रिलीज होते हैं, या तो किसी इम्यून रिएक्शन के टाइम पे जब आपका इम्यूनिटी रिलेटेड फंक्शन हुआ हो कोई, तब रिलीज होते हैं, या फिर ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई इंजरी होती है टिश्यू को. तो जैसे इंजरी होती है टिश्यू को तो वहां पे आपका क्या रिलीज होता है, ब्रेडिकाइनेस
मोस्टली जब टिश्यूज जब डैमेज होते हैं तो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका जो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है उसका फॉस्फोलिपिड होता है, उससे ये फॉस्फोलिपिड डेरिवेटिव। एडिनोसिन डेरिवेटिव क्या करेंगे, रिलैक्स द स्मूथ मसल, डिक्रीज द हार्ट रेट, डायलेट द ब्लड वेसल एंड प्रोड्यूस द पेन। अब ये फ्री नर्व एंडिंग पे जाके ये लोग कंबाइन करते हैं, एडिनोसिन सेरोटोनिन फ्री नर्व एंडिंग पे जाके कंबाइन करके दे विल रिड्यूस द पेन। प्रोस्टाग्लैंडिन कैन बी पेरिफेरल वैसोडायलेटर ऑल्सो, इट कैन बी वैसोकंस्ट्रिक्टर ऑल्सो, डिपेंड कि कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, इंफ्लेमेटरी चेंजेस करवाते हैं, इंक्रीज द आरबीएफ, इंक्रीज द रीनल ब्लड फ्लो को इंक्रीज कराएंगे, इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड H2O, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटी हाइपरटेंसिव आल्सो। सो रीनल ब्लड फ्लो अगर इंक्रीज होगा तो इट विल इंक्रीज द GFR, GFR इज इंक्रीज इट विल ऑटोमेटिकली फिल्टर द फ्लूइड आउटसाइड एंड ऑल्सो सोडियम ब्लड, so it will decrease the blood volume and decrease the cardiac output, cardiac output decrease होगा तो automatically brain क्या बोलते हैं heart के ऊपर load decrease होगा and it will decrease the blood pressure। angiotensin plasma polypeptide होते हैं, role in regulation of blood pressure होता है। bradykinin vasodilator है, promotes the agglutination of the platelet and stimulates the pain nerve ending। So, लगने पे pain हमें होता है क्योंकि वहाँ पे local hormones release होते हैं और वो free nerve endings पे combine करके pain induce करते हैं। आप सभी को देख लो, serotonin देख लो, adenosine derivative देख लो, bradykinin देख लो, they all increases the pain sensation।
क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अगर लग रही है तो हमें पता चले, अगर लग रही है और हमें सेंसेशन नहीं होगा तो विल अवॉइड दिस और वो जो इंजरी है वो इंक्रीज होगी जाएगी। प्लाज्मिक इट इज फाइब्रिलाइजिंग। प्लाज्मिक क्या करता है, जब क्लॉट बन जाता है, हीलिंग हो जाती है, तो उसके बाद में प्लाज्मिक वहां जाके क्लॉट को डिसॉल्व करता है, क्लॉट को डिसॉल्व करता है कि अभी इसका काम खत्म हो गया, तो उसको डिसॉल्व करके वहां से हटाता है और जो स्किन है उसको स्मूथ बनाता है सरफेस को। तो दैट इज द वर्क ऑफ प्लाज्मिक। प्लाज्मिक हम यूज भी करते हैं बाहर से जब हमें क्लॉट को डिसॉल्व करना होता है। हिस्टामिन इट इज फाउंड इन हाई कंसेंट्रेशन इन सरफेस एक्सपोज जैसे कि स्किन, जीआईटी एंड लंग। देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी विच आर डायरेक्टली एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि स्किन हो गई, सांस ले रहे हैं हम लोग तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एक्सपोज है, और जो हम खाना खाते हैं तो जीआईटी माउथ पूरा ईसोफेगस एंड ऑल दिस, जो वट एवर विल बी एंटरिंग फ्रॉम द आउटसाइड विल गो डायरेक्टली इन टच विद द जीआईटी। रेस्पिरेटरी में भी यही है, जो सांस हम ले रहे हैं उसमें जो भी चीज होगा, जैसे कोरोना हुआ तो वो हमारे अंदर जाए, कोई भी वायरस है, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी डस्ट है, तो इट विल गो इनसाइड एंड डायरेक्टली कम इन टू द टच ऑफ द बॉडी, सो वी कम डायरेक्टली इन टच विद द आउटर सरफेस थ्रू द स्किन, जीआईटी एंड द लंग। और इन सब साइड से हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन इज प्रेजेंट इनसाइड द मास्क सेल। मास्क सेल एक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं हर लोकल साइट के ऊपर, एंड वेन एवर अप्रोप्रिएट स्टिमुलस उनको मिलता है, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन, कोई फॉरेन एलिमेंट आया बॉडी के अंदर तो बॉडी उसको फॉरेन की तरह रिकॉग्नाइज करती है एंड इट विल सिक्रेट द मास्क सेल। मास्क सेल विल रिलीज द, फिर उसके कारण से लोकल रिएक्शन होती है वहां पे। वैसोफिल एंड प्लेटलेट्स में भी होता है ये। तो व्हाट इट विल कॉज, इट विल कॉज वैसोडायलेशन। अब वैसोडायलेशन करने से क्या होगा, उस साइट के ऊपर ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने से डब्ल्यूबीसीज वहां पे आ पाएंगे जो कि फाइट कर पाएंगे जो भी फॉरेन ऑर्गेनमेंट है। पुलिंग ऑफ ब्लड, फॉलिंग इन बीपी, फ्लशिंग ऑफ द स्किन। अब ये सिस्टमेटिकली हुआ, मतलब एक लोकल साइट पे हुआ तो ठीक है, पर पूरी बॉडी में अगर हुआ, जैसे कि एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन में होता है, एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन में क्या होता है कि एलर्जी हो रही है बट इट इज ऑल ओवर द बॉडी, सो सडनली ऑल द वेसल्स विल डायलेट एंड दे विल पुल द ब्लड टुवर्ड्स देमसेल्फ। इसके कारण से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट विल बी रिड्यूस, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कार्डियक आउटपुट विल रिड्यूस, एंड वंस द कार्डियक आउटपुट इज रिड्यूस then what will happen, it will enter into the shock or you can go to the BP तो fall होगा ही होगा, अगर कम है तो BP fall होगा, अगर ज्यादा हुआ तो you can enter into the shock। it increases the tone of smooth muscles, जैसे कि bronchioles and intestine में ये contraction कराता है, stimulation of ये साथ में it will increase the HCL secretion, other secretion also, ठीक है। तो जब आपको जुकाम होती है, जब आपको जुकाम होती है, एलर्जी होती है, उस टाइम पे आपने देखा होगा जनरली भूख ज्यादा लगती है, आई डोंट नो, मुझे तो लगती है, जब भी मुझे कभी जुकाम हुई है या एलर्जी हो जाती है तो आई फील मोर हंग्री, ठीक है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द एचसीएल सिक्रीशन। हिस्टामिन रिलीज होगा, हिस्टामिन विल ऑल्सो कॉज एचसीएल सिक्रीशन। अब जो हमारा जो ये एचसीएल सिक्रीशन का जो प्रॉब्लम है, इसके कारण से पेप्टिक अल्सर होते हैं, तो मैंने बार देरी से पेप्टिक अल्सर वी गिव एंटी हिस्टामिन टू स्टॉप द रिलीज ऑफ द एचसीएल, ठीक है, जो स्पेसिफिकली एचसीएल सिक्रीशन को डिक्रीज करे विदाउट हैम्परिंग द अदर एक्शन ऑफ हिस्टामिन। अदर सिक्रीशन ऑल्सो इंक्रीजेज स्टिमुलेशन। अब अदर सिक्रीशन इंक्रीज होंगे इसलिए आपको नाक से पानी, रेडनेस, ठीक है, फ्लशिंग, ये सब चालू हो जाएंगे इनका जब जुकाम हो गया। स्टिमुलेशन ऑफ नर्व एंडिंग फॉर कॉजिंग द पेन एंड इचिंग भी चालू हो जाती है। अब कब कब रिलीज हो सकता है ये, फिजिकल स्टिमुलस से हो सकता है, फॉर्म प्रेशर, हीट एंड कोल्ड से, केमिकल स्टिमुलस में फॉरन प्रोटीन आ जाए बॉडी के अंदर, मॉर्फिन, दैट विल कॉज अ ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स इज एडिमा, रेडनेस एंड हीट प्रोडक्शन।
फॉरन प्रोटीन हिस्टामिन स्टिमुलेट होगा, वैसोडायलेशन होगा, एनाफिलैक्टिक शॉक कैन बी देयर. एंटी एलर्जिक ड्रग एक्ट अपोजिट टू द एक्शन ऑफ सम. तो हम लोग क्या करते हैं, सिट्रिजिन लेते हैं आप लोग, रिवोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन एंड क्लोरफेनामिन, थ्री ड्रग्स लेते हो व्हेनेवर यू हैव कोल्ड लाइक दिस. सर कहते आप कॉमनली कोई दवाई का नाम बोलो, कौन सी दवाई लेते हैं आप? Thank you.